वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। बॉलीवुड के बहुत से एनिमेटेड फिल्म्स के लिए कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने अपनी आवाज डब की है, लिटरली 50 से भी ज्यादा एक्टर्स ने। वैसे पिछली बार की तरह मैं कोई रैंकिंग नहीं देने वाला, क्योंकि मैं कौन होता हूँ रैंकिंग करने वाला। तो शुरू करते हैं अल्फाबेटिकली, यानी कि ए से लेकर जेड तक। तो ए से शुरू करते हुए हमारे पास है 11 नाम, जिसमें से अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और अनुपम खेर ने एक ही बॉलीवुड एनिमेशन फिल्म में अपनी आवाज दी है। मामा श्री, आपने ही कहा था ना, खांडवप्रस्थ धरती का स्वर्ग है, तो हमने आपके शब्दों को सत्य कर दिखाया। गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता, ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। क्षमा करें गुरु जी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध ले रहे हैं। भांजे, तेरे शकुनी मामा को लगता है कि ये जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। वैसे अनुपम खेर जी ने एक और एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज दी है। ऐसे बालक का क्या भविष्य बताना, जिसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहेगा। इसी फिल्म में राजा उग्रसेन को लेट श्री ए के हंगल जी ने अपनी आवाज दी थी। मेरी चिंता ये है, ये तेरे विवाह के बाद उसकी ये थोड़ी सी मनुष्यता विशेष नहीं रहेगी। अक्षय कुमार और असरानी जी ने जंबो फिल्म में अपनी आवाज दी है। वही जो हर साल मांगता हूँ कि मेरे माँ बाबा मुझे जल्दी मिल जाए। राजकुमार जी, एक पागल हाथी इस तरफ आया है, हम देखना चाहते थे कि कहीं वो आपके तंबू में न छिपा हो। ऐसे बचे लास्ट चार नाम, आशीष विद्यार्थी, अक्षय खन्ना, लेट श्री अमरीश पुरी जी और आशुतोष राणा। आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। किसी को एहसास हुआ कि एक तोता, एक बंदर, एक तेंदुआ, उसका बच्चा और एक भालू दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर कैसे पहुंचे? ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तू जा और बोल अपने राम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। वैसे बी से हमारे पास एक ही नाम है। अब मुझे पता चला, शायद मेरी जरूरत यहाँ इसलिए थी ताकि सिर्फ ये बच्चा नहीं, हम सब सुल्तान को देख सके। सी से भी हमारे पास एक ही नाम है। वही लंका जिसके ब्यूटी का बज रहा है चारों दिशाओं में डंका डंका डंका। डी से है तीन नाम, दीपक डोबरियाल। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, कौन सी भाषा है जो नहीं जानता, लेकिन तुम उससे सब क्यों पूछ रहे हो? दीप्ति नवल और डिंपल कपाड़िया। हे राम, ये मैंने बिना देखे अपने पुत्रों को कैसी आज्ञा दे दी? भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, वो वापस आएंगे। अरे वो तो यही है। जी से है दो नाम, गोविंदा, माय फेवरेट। अरे राजा नहीं है तो क्या हुआ, उसका सेनापति तो है ना तुम लोगों के साथ? जो लोग हम लोग के घर में घुस आए उनका ईंट से ईंट बजाई देंगे हम, मार मार के उन सालन की दुर्गति कर देंगे। और गुलशन ग्रोवर। शक्ति नगर को कुचलने के लिए अकेला बख्तावर ही काफी है, अब होगा सबसे बड़ा दंगा। जैसे है चार नाम, जैकी श्रॉफ। देवर नहीं, स्वामी कहो, तुम हमारी दासी हो। जावेद अख्तर। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गूंजती रहेगी हनुमान की जय जयकार। जावेद जाफरी और जूही चावला। मैं इतने यंग समूह कर भी उसको इम्प्रेस नहीं कर सका तो तू जय सच गुड क्या करेगा? काना, अभी तो तूने सात भी पूरे नहीं किए और पूरे जीवन की बात करता है। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलू, जा अपने दिन गिन, मेरे राम बस आते ही होंगे। कैसे है तीन नाम, जिसमें करीना कपूर और कीकू शारदा ने रोड साइड रोमियो में आवाज दी है। रोमियो, क्या ये सब सच है? तुमने चाली से वादा किया ना कि तुम मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनाओगे? चलो चलते अन्ना के पास, नहीं तो अपुन की बैंड बज जाएगी, आर ऑर्केस्ट्रा विल स्टार्ट प्लेइंग यार। कुणाल खेमू ने हनुमान दमदार में इंद्रदेव को अपनी आवाज दी थी। ले अब ये कौन सा नाटक है, याद नहीं पिछली बार सूरज को निगलने चला था सूर्य देव को? एल से सिर्फ एक, लारा दत्ता ने जंबो फिल्म में अपनी आवाज दी है। मेरा तो इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे
माँ बाबा लगते कैसे थे? एम से हमारे पास लिस्ट में चार नाम है जिसमें अकेले मनोज बाजपेयी ने तीन फिल्मों में अपनी आवाज दी है। गर्ग मुनि, आप महात्मा है, भविष्यदर्शी है। मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए और इसकी कुंडली में क्या लिखा है बताइए। कौरवों और पांडवों में शत्रुता समाप्त हो गई थी, परंतु आज तुमने दुश्मनी के बीच फिर बो दिए हैं। शांत रहो लक्ष्मण, अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं लोभी नहीं। एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टर मकरंद देशपांडे जी ने भी हनुमान द दमदार में अपनी आवाज दी है। इस अमृत को सही आदमी के हवाले करो, अमृत के लिए ही तो मैंने सारा खेल रचाया था। शक्तिमान कैरेक्टर से अपनी अलग पहचान बनाने वाले मिस्टर मुकेश खन्ना और एक्टर मुकेश ऋषि ने एक ही कैरेक्टर को अलग अलग मूवी में अपनी आवाज दी है। अपने राज्य और परिवार को जरा भी चाहते हो तो माँ सीता को अभी इसी समय सम्मान के साथ मुक्त कर दो। देवी सीता सब कुशल है और रात दिन आपके आने की राह देखती है। लेटर ओ एंड पी से हमारे पास एक एक ही नाम है। ओ से ओमपुरी। कंस ने पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय पताका अपने पुरुषार्थ के बल पर फहराई है। पी से प्रेम चोपड़ा। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे है? हमारे पास दांत है, हमारे पास नाखून है, हिम्मत है, लोग है। आर से है हमारे पास तीन नाम। कॉमेडी में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मिस्टर राजपाल यादव। अपना ही बच्चा है, सारे दांव पे चपने से सीखे है, बहुत जल्दी हमारी तरह शेर दिल हो जाएगा। आई लव यू। 90s की फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली रवीना टंडन। पिछली बार क्या हुआ था, इंद्र का वज्र लगा था तो ऑलमोस्ट मर गया था आपका बहादुर निडर बच्चा। और ज्यादातर फिल्मों में माँ का रोल करने वाली रोहिणी हट्टंगड़ी जी। संदेश है सारी मानव जाति के लिए और सारी सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब के लिए भी। लेटर एस में है हमारे पास कुल मिला के 13 नाम। सचिन पिड़गांवकर और उनकी रियल लाइफ पत्नी सुप्रिया पिड़गांवकर जी ने एक्टर सुधीर पांडे जी के साथ एक ही फिल्म में डब किया है। देवकी एक स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है और आज उसकी विदाई का दिन है। मैं जानती थी कंस भैया इतने नहीं हो सकते, मैं उनकी प्यारी बहन जो हूँ। वृष्णी, न जाने अपने आप को क्या समझते हैं युवराज, कि एक वसुदेव के लिए आपसे शत्रुता मोल लेना चाहते हैं। फिल्म दशावतार में सचिन खेड़ेकर, श्रेयस तलपदे और शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी आवाज दी है। धरती की सुरक्षा अति आवश्यक है, मेरे ही क्रोध का परिणाम है तो मुझे ही कोई उपाय करना होगा। जब तक तुम भगवान विष्णु को पराजित नहीं करते तब तक तुम न अजय हो न अमर। पृथ्वी लोक पर जन जीवन सुचारू रूप में चलता रहता है तो स्वर्ग लोक में भी शांति प्रसन्नता और खुशहाली छाई रहती है। वैसे शत्रु जी ने दो और फिल्मों में अपनी आवाज दी है। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं वीरता है। अयोध्या फलती फूलती गई, नर नारी अपने राजकुमार और भावी राजा से अत्यंत प्रेम करते थे। दिल्ली सफारी और रोड साइड रोमियो में संजय मिश्रा जी ने बखूबी अपने कैरेक्टर को निभाया है। वैसे मैं रैंकिंग करता तो ये टॉप 5 में जरूर होते। पीछा करने की बात कर रहे थे, अरे ट्रेन से उतरते बगैर सिग्नल तो देना चाहिए था ना पागल। आमा नाजी महाराज, अच्छा मतबा तो पूरी कर दो यार, मतलब फील गुड नहीं हो रहा है यार। कॉमेडी एक्टर मिस्टर सौरभ शुक्ला जी ने भी दो फिल्मों में अपनी आवाज दी है। एक तो यो चालू है, ऊपर से तू और चालू हो जाए यहाँ पर। अरे 2 मिनट थम जाओ सबके सब। द से दिल्ली जाएंगे, ल से लोगों से मिलेंगे और भ से भीख मांगेंगे। हनुमान द दमदार में श्री हनुमान जी की दमदार आवाज बने हैं मिस्टर सलमान खान। आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी, दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। दिल्ली सफारी में मिस्टर सुनील शेट्टी जी ने एक शेर के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। अरे इसे सेल्फ डिफेंस ही कह रहा था, आई एम मेकिंग हिम अ मैन। महाभारत फिल्म में गधाधारी भीम की तगड़ी आवाज बने थे मिस्टर सनी देओल। जिस जंगा पर तूने द्रौपदी को बिठाने का पापी विचार किया है मैं उसी जंगा को तोड़कर तेरे प्राण लूंगा। रोड साइड रोमियो फिल्म में लीड कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी सैफ अली खान ने। मैं आप में से किसी एक के बाल वाल काट के स्टाइलिश बना के दिखाता हूँ,
अगर आपको पसंद आ गया तो ग्रेट, नहीं आया तो आप मुझे मार सकते हैं। इसी फिल्म में सुरेश मेनन ने एक ही किरदार को अलग अलग फिल्म एक्टर्स के आवाज में डब किया था। कभी शाहरुख खान, हे विनी, तुम बिल्ली हो, बिल्ली रहो, कुत्ते बनने की कोशिश मत करना, समझी। कभी सनी देओल या धर्मेंद्र, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, उठता नहीं, उठ जाता है, पंच मारू। कुत्ते, मैं तुम्हारा बाल काटूंगा, उसके बाद से। कभी शत्रुघ्न सिन्हा, अपनी माँ से कहते है ना कि चैन हुआ था, ओ हप। तो कभी राजेश खन्ना, अरे ये 3 तो आइटम है रे। रोड साइड रोमियो मूवी में एक बिल्ली जो अपने आप को कुत्ते जैसा समझती थी, उसे तनाज ईरानी ने डब किया था। पक्का ईडिया जैसे दिखता है, तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। लेटर वी से मिस्टर विनय पाठक ने हनुमान दमदार में एक न्यूज रिपोर्टर पैरट को अपनी आवाज दी थी। गर्मा गर्म पकौड़ियों और जलेबियों से भी गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। फिल्म महाभारत में विद्या बालन और ब्रजेश हिरजी ने भी अपनी आवाज दी थी। दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था और आज मैंने उस अपमान का बदला ले लिया, मेरे प्रतिशोध की आग ठंडी हो गई। मैं तो वैसे ही सोच रहा था कि जब इनका राजमहल इतना सुंदर है ना, तो ये माया महल कैसा होगा है? वैसे ब्रजेश ने रोड साइड रोमियो में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को डब किया था। ये सर क्या है या? अबे बिना जीरे की जीरा गोली कुत्ते की तरह बात नहीं कर सकता है तू। लिस्ट यही पर खत्म होती है दोस्तों, लेकिन रुकिए, डबिंग से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी talent_tadka पर जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।